प्रधानमंत्री मोदी जी को मजबूती प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के नेतृत्व में जो चुनाव बिहार विधानसभा का लड़ा जा रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीत करके जाएं। भाइयों बहनों, यही अपील करने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं और मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं। आपके लिए तो दोहरे फायदे हैं। एक, राजा दिग्विजय सिंह जी की सुपुत्री को यहां से आप भेजेंगे, वह स्वयं भी एक शूटर है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार को, जमुई को एक नई पहचान दिला रही है। उनकी माता जी भी सांसद थी, मैं भी तब सांसद था, संसद में था। उनके पूज्य पिताजी जब सांसद थे और मंत्री थे तब भी मैं भी सांसद था। वास्तव में विकास की जो सोच उनकी थी, उस विकास की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आप सबसे अपील करने के लिए विशेष रूप से मैं आज आपके बीच में यहां पर आया हूं। आप सबसे मेरी अपील है कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है प्रथम चरण में 28 अक्टूबर को, कमल चुनाव चिन्ह पर सुश्री श्रेयसी सिंह जी को भारी मतों से चुनाव जिताने की आप सबसे अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। इतने भारी संख्या में आप लोग हैं, आप सबसे मैं दो ही अपील करूंगा। एक, यहां पे युवाओं की संख्या ज्यादा है और जो संख्या युवाओं की है, ये संख्या ज्यादातर लोगों के हाथों में स्मार्टफोन भी है। अपने फोन को पहले तो एक काम करना कि यहां से जाएंगे चुनाव प्रचार करने के बाद स्नान करके, और इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे कि हम लोग दो गज की दूरी और मास्क जरूरी के इस मंत्र का पालन करेंगे। दूसरा, मोबाइल फोन लेकर के इस जमुई विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य का फोन नंबर लेकर के, और अपने स्तर पर कोई आपका मित्र होगा, कोई नातेदार होगा, कोई रिश्तेदार होगा, कोई शुभचिंतक होगा, उन सबके घर घर में जाकर के भी और मोबाइल फोन से भी अपील करना है। अपील करिए भाजपा को जिताने की। बिहार के अंदर भी जहां भारतीय जनता पार्टी जदयू गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनको जिताने की प्रयास होना चाहिए। भारी बहुमत से चुनाव जीत करके जाएंगे, बिहार को फिर से कुशासन की ओर नहीं आने देंगे। विकास और सुशासन का बिहार का मॉडल, इसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।